हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर और आप देख रहे हो राधे बीट्स। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संडे Q&A में। आपने कमेंट सेक्शन में कुछ सवाल पूछे थे, उनका आज मैं जवाब देने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले सवाल की। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल पूछा है किशन ने, इनका सवाल ये है कि जियो फोन नेक्स्ट कब आएगा, किस कीमत पे, प्लीज़ पिक माय क्वेश्चंस। तो देखिए सर, जियो फोन जो है वो 2-3 महीने में शायद हम लॉन्च होता हुआ देखेंगे, उससे पहले भी हो सकता है। आई एम नॉट कन्फर्म कब आएगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। और बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस है वो 2 या 3 हज़ार होने वाली है। अब ये जब भी लॉन्च होता है तब उसका एक वीडियो होगा, तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे अगले सवाल की। तो यहाँ पे अगला सवाल है आर्यन का, इनका सवाल ये है कि ओप्पो A53 में ट्रायल वर्जन डाउनलोड करूँ या नहीं। तो देखिए, मैं रिकमेंडेड नहीं करता। ट्रायल वर्जन के अंदर बहुत सारे बग्स होते हैं, फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपने ये जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है उसकी वजह से आपके फ़ोन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ट्रायल वर्जन जो है वो डाउनलोड करो और उसको यूज़ करो। और आपका फ़ोन है, आपको करना है तो करो, वैसे बाकी मैं तो मना ही करता हूँ, मत करो। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे अगले सवाल की। तो यहाँ पे अगला सवाल है मिनका करके, सॉरी आपका नाम जो है वो ऐसा कुछ ही है, मिनका। तो इनका सवाल ये कि सर, आप कब बेचोगे अपना आईफोन 11, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। अरे भाई, अभी अभी तो मैंने आईफोन 11 ख़रीदा है, यानी कि 2-3 महीने ही हुए इसको ख़रीदे, और अभी तो इसको बेचने का कोई भी प्लानिंग नहीं है, और कोई दूसरा आईफोन अपग्रेड करने का भी कोई प्लानिंग नहीं है। तो देखते हैं फ्यूचर में, जब भी इसको मैं सेल करूंगा तो मैं सबसे पहले आपका कांटेक्ट करूंगा। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे अगले सवाल की। तो यहाँ पे अगला सवाल है असलम अली का, इनका सवाल ये कि सर, इज ऑल डेटा करने से मोबाइल का सिस्टम अपडेट डिलीट होता है क्या, एंड नेटवर्क स्पीड स्लो होता है क्या। तो देखिए, नेटवर्क स्पीड जो है वो बिल्कुल भी स्लो नहीं होता, ऊपर से फास्ट हो जाएगा अगर आपके फ़ोन के अंदर ऐसा कुछ सेटिंग्स हो चुका है तो। और रही बात अपडेट की, तो अपडेट भी वैसा ही रहता है, वो डिलीट नहीं होता, सिर्फ आपका फ़ोन का फ़ोन मेमोरी जो इंटरनल स्टोरेज है वही फॉर्मेट होता है, और आप जैसे नया फ़ोन लाए थे ठीक वैसा हो जाता है, यानी कि ऑल सेटिंग्स भी रिसेट हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली आप इज ऑल डेटा कर सकते हो। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे अगले सवाल की। तो यहाँ पे अगला सवाल है ट्रीमेंडोस कॉमेडी करके, एक शायद एक यूट्यूब चैनल है, इनका सवाल ये कि सर, मेरा सैमसंग गैलेक्सी M11 का फास्ट चार्जिंग एकदम से स्लो हो गई है, और एक अपडेट आया हुआ है इसकी वजह से, तो ऐसा नहीं होता है, यानी कि एक अपडेट आया इसकी वजह से ऐसा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अपडेट की वजह से फ़ोन का चार्जिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है, आपका फ़ोन जो है वो डेफिनेटली चार्ज होना ही चाहिए। लेकिन आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि आपके फ़ोन के अंदर चार्जिंग जो है वो स्लो हो चुका है, तो आप एक बार सेटिंग्स ऑल रिसेट करके देखिए, ऐसा कुछ भी हुआ होगा तो ये प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो जाएगी, और आप आँख बंद करके इसका जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो भी कर लो। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे अगले सवाल की। तो यहाँ पे अगला सवाल है MD फिरोज का, इनका सवाल ये कि सर, मेरा मोबाइल अपडेट करा तो उसका कुछ ऐप्स काम नहीं कर रहा है, जैसे कि कैलकुलेटर। तो देखिए फिरोज़, आपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट किया होगा, आप प्ले स्टोर से सारी ऐप्स जो है वो भी अपडेट कर लो, हो सकता है उसके अंदर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से आपका कैलकुलेटर जो है वो काम नहीं कर रहा है। फिर भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो आप एक बार सेटिंग्स ऑल रिसेट करके देखिए, आपका फ़ोन जो है ऑब्वियसली ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे अगले सवाल की। तो यहाँ पे अगला सवाल है मयंक महेश्वर का, इनका सवाल ये कि सर, मेरा फ़ोन वीवो Y91i में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा है, अपडेट डाउनलोड होने के बाद द फ़ोन नॉट रूट दिखा रहा है। तो देखिए, ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके फ़ोन के अंदर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप एक बार वाईफाई से डाउनलोड करके देखिए, और एक बार जो ये पावर बटन दबा के हम रिसेट करते हैं ना, वैसे रिसेट कीजिए, फिर वाईफाई से डाउनलोड करके देखिए, शायद आपका फ़ोन जो है वो अपडेट हो जाएगा। ऐसा किसी का प्रॉब्लम तो नहीं आया, आपका फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम आया है, और मैं बिना देखे अब क्या ही बताऊँ आपको। हो सके तो मुझे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, देखते ऐसा प्रॉब्लम क्यों आया आपके फ़ोन के अंदर। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे अगले सवाल की। तो यहाँ पे अगला सवाल है फिरोज खान का, इनका सवाल ये कि वीवो V20 SE में ब्लर पिक क्लिक कैसे करें। तो जैसे ही फिरोज आप कैमरा ओपन करते हो, तो पोर्ट्रेट शॉट जहाँ पे आप क्लिक करते हो उसके ऊपर आपको एक बुके का इफेक्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि बुके का एक ऑप्शन होता है, वहीं पे आप क्लिक कीजिए, वहीं से आप जो है पोर्ट्रेट शॉट जो है वो क्लिक कर सकते हो। और ऊपर की तरफ कैमरे जैसे कि ऊपर होता है यहाँ पे, वहीं पे भी आपको एक फ़िल्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वहीं से भी आप ये जो है पोर्ट्रेट शॉट क्लिक कर सकते हो।
और ये कैसे यूज़ करना है आपको पता नहीं है तो मुझे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे लास्ट सवाल की। तो यहाँ पे लास्ट सवाल है महिन प्रजापति का, इनका सवाल ये कि वीवो वाई 50 में 11 अपडेट कब आएगा। तो देखिए सर, ऐसा कोई भी डेट जो है वो फिक्स नहीं होता, कंपनी कब किस फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 11 जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट दे देती है। लेकिन जैसे इस फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट आता है एंड्रॉयड 11, तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप सब लोगों को पता चल जाए कि वीवो वाई 50 में सॉफ्टवेयर अपडेट आया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का संडे Q&A। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमारे किसी भी वीडियो पे आज के किशू लगा करके कमेंट कीजिए, तो हम नेक्स्ट संडे आपका भी कोई सवाल होगा तो पिक कर लेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने जो जो सवाल पूछे थे उनका जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। और एक बात दोस्तों कि आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम की लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप डायरेक्टली वहीं पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतने दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।